गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 5 जून और अभी बजे हैं सुबह के 10। मेरी वंशु नहा के ब्रेकफास्ट करके सो चुकी है अच्छी बेटी बनकर, और अभी मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। बस बाल बनाने वाली थी लेकिन अभी आ चुकी है कचरे वाली गाड़ी, तो पहले डाल देते हैं कचरा, क्योंकि 2 दिन से मैंने कचरा नहीं डाला था तो बहुत सारा हो रखा है। और उसके बाद आज कुछ स्पेशल चीज़ बनाऊंगी मैं खाने में, और किस खुशी में बनाऊंगी वो भी मैं बताऊंगी। तो उसके लिए व्लॉग को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है गाइज। तो पहले डाल देते हैं कचरा क्योंकि गाड़ी वाला भग जाएगा वरना। प्याज बेचने वाले आ रखे हैं आज हमारी कॉलोनी में, सिक्कर वाले प्याज। कचरा में डाल के आ चुकी हूँ और आज मैंने भिगो रखी है इसमें मूंग की दाल, ये देखिए आप। कल दोपहर में मैंने इसको भिगोया था और अभी ये अच्छे से भीगी नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है, तो 1-2 घंटे और इसको रखते हैं। हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा, वो भी गर्म, ठंडी हवा चले तो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, गर्मी कम हो। तो गेट मैंने उधर वाला जो गैलरी वाला है वो आज बंद कर दिया है, क्योंकि उधर से बेटी है वो उठ के आ जाती है और तुरंत बाहर निकल जाती है, और इधर सीढ़ियाँ हैं, रेलिंग है ये जो नज़र आ रही है, और इधर गिरने का डर होता है उसका, तो अब से इधर वाले गेट को ही यूज करेंगे। तो गाइज आज मैं बनाने वाली थी ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा, लेकिन मेरे कुकर की जो रिंग होती है ढक्कन के ऊपर जो रबड़ की रिंग लगी होती है ना, वो लूज हो गई तो उसमें सीटी नहीं आती, और पतीले में आलू बॉईल करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्याज के पराठे बनाने वाली हूँ सुबह, और वो बनेंगे सिर्फ मेरे लिए क्योंकि गुड्डू के पापा पराठे खाते नहीं हैं, वो सुबह ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, वो आएंगे 1 या 2 बजे, तो उनके लिए लंच में दाल या चावल बनेगा। तो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट क्योंकि आज केले ख़त्म हो चुके थे, वरना तो केले का शेक मैं ले लेती हूँ, तो फ्रूट लेके आएंगे वही दोपहर के अंदर। और फाइनली मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं, और जिस जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए, फॉलो कीजिए। और फाइनली हमारे फेसबुक पे भी 14,000 फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे आज लिटरली बहुत खुशी हो रही है कि आप सब ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और जल्दी से यूट्यूब पे भी एक अच्छी सी फैमिली बना दीजिए प्लीज़। तो इस खुशी में मैं बनाने वाली हूँ आज मूंग की दाल का हलवा, तो ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहना गाइज। और मैं अपनी स्टोरी अगर कभी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, क्या सोच के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तो अभी बना लेते हैं जल्दी से खाना, और खाना खाने के बाद मैं बनाऊंगी मूंग का हलवा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, और तब तक अगर भूखी रहूंगी तो पेट में एसिडिटी बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइस खाने में है आज दही और प्याज, और थोड़ा सा डाला है आलू, तो प्याज और आलू के परांठे हैं और दही है, तो जल्दी से खाते हैं खाना। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं करने वाली हूँ स्क्रब, क्योंकि अब जाके मुझे टाइम मिला है, थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो सोच रही हूँ कि अभी कर लेती हूँ, वरना तो एक एक दिन लेट होता जाएगा, हमेशा लेट हो जाता है। मैं सोचती हूँ आज करूँगी, फिर टाइम नहीं मिलता, फिर सोचती हूँ कल करूँगी, फिर कल करूँगी, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय हो जाएगी, आगे नहीं आता है। तो ये मैंने 2 कटोरी तैयार की है, अब 2 कटोरी में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों में सेम प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ इनमें है क्या। ये है वाइट हल्दी, एक आती है येलो हल्दी जो हम किचन में यूज करते हैं, ये है वाइट हल्दी जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, 99 का ये पैक है। और ये है मुलेटी पाउडर, मुलेटी पाउडर, मुल्तानी मिट्टी अलग होता है, मुलेटी पाउडर है ये, इस तरह का होता है जो इसमें पीस के डब्बे में
मैंने ये भी अमेजोन से मंगवाया था और इसकी प्राइस है 199 का है ये। तो एक चम्मच मुलेठी पाउडर के लिए है मैंने और 2 चम्मच वाइट हल्दी का लिया है। तो 2 चम्मच वाइट हल्दी 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को मैंने कपड़े में छान कर इस कटोरी में डाला है। अब छान कर क्यों डाला है, छानने के बाद में ये पैक फॉर्म में बन जाएगा। पैक जो होता है हम फेस पे, पहले हम करते हैं स्क्रब, स्क्रब में थोड़े से दाने फॉर्म में होता है स्क्रब, ताकि हमारी स्किन जो है अच्छे से क्लीन हो जाए और स्किन की जो डेड डेड स्किन है फेस के ऊपर, जो डेड स्किन होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो उसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा ग्रेनुलर्स, थोड़े से दाने फॉर्म में चाहिए जो हम पैक बनाते हैं। तो जो मुलेठी पाउडर और वाइट हल्दी है उसको छान के मैंने इसमें डाला है, ताकि ये स्क्रब करने के बाद पैक के रूप में यूज कर सकें, और जो छानने के बाद में जो दाना फोम में ऊपर जो बच जाता है वो मैंने इसमें डाला है। तो इसमें थोड़े से दाने हैं, ये देखिए थोड़ा सा दाना फोम में है ये, तो ये स्क्रब में काम आ जाएगा। और ये है छानने के बाद में जो बिल्कुल आटे की तरह, जो बिल्कुल जैसे पैक आता है, पैक पाउडर आता है, चंदन का पाउडर आता है, या मुल्तानी मिट्टी जो हम पीस कर या फिर पाउडर फॉर्म में मुल्तानी मिट्टी लाते हैं, उस टाइप का ये बन गया। तो हम दोनों में मैंने डाला है एलोवेरा, ऑर्गेनिक एलोवेरा जो गमले में हम उगा के रखते हैं, उसकी एक पत्ती तोड़ के और उसके अंदर से जेल निकाल के ये दोनों में मैंने डाला है। और इसमें एक डालना था मुझे नींबू, लेकिन नींबू अभी ख़त्म हो रखा है, मेरे पास था नहीं, तो इसलिए नींबू को मैं स्किप करूँगी। और नींबू जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको तो स्किप करना ही करना है, लेकिन मेरी तो सेंसिटिव नहीं है, मेरी ड्राई स्किन है तो मैं डाल सकती थी, लेकिन नींबू अभी था नहीं। और एक डालना है गुलाब जल, और ये तीनों चीज़ें डाल के इनको मिला लेना है, देन उसके बाद में अप्लाई करना है। अगर कम ज़्यादा रहेगा तो फिर और डाल लेंगे। और ये है स्क्रब और ये है पैक। अब फेस पे अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना है, और उसके बाद में आपको गुलाब जल से फेस को एक बार और साफ करना है, ताकि हमारे फेस पे कोई भी डस्ट वगैरह, किसी तरह का स्वेटिंग वगैरह ना रहे, क्योंकि ये जो चीजें देसी चीजें हैं, तो लगाने से पहले एक बार फेस को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो मैं कर रही हूँ अभी गुलाब जल से फेस को साफ। ऐसे अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कपड़े से फेस को साफ करना है। ये जब यूज करेंगे फेस पे तो थोड़ा सा इचिंग, थोड़ा सा जलन जैसा फील होगा, तो घबराना नहीं है आपको, आप सोचो कि कहीं पे साइड इफेक्ट हो गया या कुछ हो गया। आपके पास अगर ब्रश है तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास ब्रश नहीं है। तो मैं फिंगर से ही यूज कर लेती हूँ। इस तरह से अच्छे से अप्लाई करके और 2 मिनट इसको छोड़ना है, और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए, ज्यादा रगड़ना नहीं है, तेज नहीं रगड़ना, हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए और ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो गाइस इस तरह से आपको करना है फेस की अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसाज। पहले 2 मिनट स्क्रब लगा के छोड़ना है, उसके बाद में 2 से 3 मिनट तक अपने फेस की हल्के हाथों से मसाज करनी है। मैंने मसाज कर ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको करना है ठंडे पानी से वॉश। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ फेस वॉश करके, और पहले से जो स्किन है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड स्मूथ लग रही है बहुत ज़्यादा। वरना पहले जब फेस पे आ लगाते थे ना तो ऐसा रफ रफ टच होता था, लेकिन अभी बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है। और अभी फेस को अच्छे से ड्राई करके लगाना है पैक। अब पैक लगाते टाइम आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पैक को हमेशा ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि पैक जब ड्राई होता है ना तो हमारी स्किन उसी डायरेक्शन में खींचती है। तो अगर नीचे की तरफ लगाओगे तो स्किन नीचे की तरफ खींचेगी और स्किन लूज हो जाएगी। तो आपको हमेशा ऊपर की तरफ पैक लगाना है इस तरह से। तो
पैक मेरा लग चुका है। पैक का जो टेक्सचर है वो मैंने बहुत ही फाइन रखा है और इस तरह से लगा के, और आपको 10 से 15 मिनट छोड़ना है। जब भी आप स्क्रब करें पैक हमेशा अप्लाई किया करें, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो तो मुल्तानी मिट्टी में आप रोज वाटर डाल के, मुल्तानी मिट्टी में रोज वाटर डाल के उसका पैक बना के लगा सकते हैं। क्योंकि स्क्रब करने के बाद भी हम पैक नहीं लगाते तो हमारी स्किन के ओपन पोर्स हैं वो विजिबल होने के चांस होते हैं और हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है फेस पे। तो जब भी आप स्क्रब करें पैक जरूर अप्लाई करें, चाहे वो चंदन पाउडर हो तो उसका पैक बना के लगा लीजिए, या फिर मुल्तानी मिट्टी बेस्ट सबके घर में अवेलेबल होती है तो उसमें आप दही और गुलाब जल डाल के वो लगा सकते हैं। तो अब भी इसको छोड़ूंगी मैं 15 मिनट और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करके फिर आप एलोवेरा जेल होता है वो आप फेस पे लगा सकते हैं, या कोई भी आपके फेस के अकॉर्डिंग जो क्रीम सूट करती है वो लगा सकते हैं।